दोस्तों, हनुमान जी को बुद्धि, विद्या और शौर्य का मूर्तिमान रूप माना जाता है। संकट के समय हनुमान जी को ही याद किया जाता है, इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहते हैं। हनुमान जी को शिव जी का अवतार भी माना जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है, महाभारत के युद्ध के दौरान हनुमान जी भी शामिल थे और अर्जुन के रथ पर सवार थे। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी वक्त आ गया था जब हनुमान जी काफी क्रोधित हो गए थे और श्री कृष्ण जी को करना पड़ा था हनुमान जी के क्रोध को शांत। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की ओर घूर देते थे, तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती थी। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। यहाँ तक कि उनकी दृष्टि एक बार कौरवों की ओर से लड़ रहे कर्ण पर भी पड़ गई थी। वो तो भगवान श्री कृष्ण थे जो कर्ण को बचा लिया, वरना वह कब के खत्म हो जाते। तो भाइयों और बहनों, ऐसा आखिरकार क्या हुआ था जो हनुमान जी इतने क्रोधित हो गए थे, और आखिर क्यों उन्हें महाभारत में शामिल होना पड़ा? यह दिलचस्प और मज़ेदार प्रसंग जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। पहले प्रसंग में है, अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ने इसीलिए किया था स्थान ग्रहण। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के विराजित होने के पीछे भी कारण है। इसका वर्णन आनंद रामायण में किया गया है। वर्णन के अनुसार एक बार रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन और हनुमान जी का मिलना होता है। इस दौरान अर्जुन ने हनुमान जी से लंका का युद्ध का जिक्र किया और पूछा कि जब श्री राम श्रेष्ठ धनुषधारी थे तो फिर उन्होंने समुद्र पर जाने के लिए पत्थरों का सेतु क्यों बनवाया? यदि मैं होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपकी पूरी वानर सेना समुद्र पार कर लेती। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि बाणों का सेतु वहां टिक नहीं पाता, वानर दल का जरा सा भी बोझ पड़े तो सेतु टूट जाता। इस पर अर्जुन को कुछ बुरा लगा और उन्होंने हनुमान जी से एक अजीब सी शर्त रख दी। अर्जुन ने कहा कि सामने एक सरोवर पर वह अपने बाणों से सेतु बनाएंगे, अगर वह आपके वजन से टूट गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटा है तो आपको, यानी कि हनुमान जी को, अग्नि में प्रवेश करना होगा। हनुमान जी ने इसे सहर्ष ही स्वीकार कर लिया और कहा कि मेरे दो चरण ही इस सेतु ने झेल लिए तो मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा और अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इसके बाद अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सरोवर पर सेतु तैयार कर दिया। जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान जी अपने विराट रूप में आ गए और भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पैर रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखते ही चरमरा गया, और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि मैं पराजित हो गया, अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई तो हनुमान जी उसमें जाने लगे, लेकिन उसी पल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उन्हें रोक दिया। भगवान ने कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पैर सेतु पर पड़ा उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था, आपके पैर रखते ही मेरे कछुए रूप से रक्त निकल गया, यह सेतु तो पहले ही पैर रखने में टूट जाता यदि मैं कछुआ रूप में वह मौजूद नहीं होता तो। यह सुनकर हनुमान जी को काफी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला, आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया, मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा भगवान? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप मन खिन मत करिए, और मेरी इच्छा है कि तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसीलिए द्वापर युग में श्री हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा लिए बैठे रहते हैं। दूसरा प्रसंग, तो अब हम बात करते हैं कि महाभारत के समय ऐसा क्या हुआ था कि हनुमान जी क्रोधित होकर कर्ण को मारने के लिए उत्सुक हो गए थे। महाभारत में जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था, तब कर्ण अर्जुन पर भयंकर बाणों की वर्षा कर रहे थे। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लग रहे थे।
उनके बाण से श्री कृष्ण का कवच कट कर गिर पड़ा और उनके सुकुमार अंगों पर बाण लगने लगे। रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एक टक नीचे अपने आराध्य की ओर ही देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे, कर्ण के बाण उनके अंगों को भेद रहे थे। हनुमान जी से यह सहन नहीं हुआ, अकस्मात वह गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना के भय से भागने लगी थी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से भी धनुष छूटकर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपना दायां हाथ उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया। बोले, तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है ये। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, किंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठी बंद थी, उनकी आंखों में मानो आग भरी हो। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत ना होते देखकर श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान मेरी ओर देखो, अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है, तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने को कहा था। फिर हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की ओर नीचे देखा और शांत होकर बैठ गए। तो दोस्तों, हनुमान जी की ताकत का तो कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता है। एक बार भगवान हनुमान जी जब मात्र 6 मास के थे, एक दिन उन्हें बहुत जोर की भूख लगी। हनुमान जी की माता अंजना फल लाने गई, तभी हनुमान जी ने बाहर जाकर देखा तो उन्हें सूर्य दिखाई दिया। हनुमान जी ने इसे लाल फल मानकर आकाश में गए और सूर्य को मुंह में डाल लिया था। माना जाता है कि हनुमान जी की माता अंजनी पिछले जन्म में शिव की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी। कहा जाता है कि शिव ने खुश होकर वरदान अंजनी को अपने पुत्र के रूप में अवतार अपने घर में जन्म लेने का वादा किया था। पवन देव खुद ने भगवान शिव के अंश को अंजनी की कोख में पहुंचाया था। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हम कितने भी डरे हुए क्यों ना हों, हमें हनुमान जी के भजन तथा हनुमान चालीसा का जाप करने से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। हनुमान जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त एवं सेवक थे। वह श्री राम की रामलीला सुनने दौड़ आते थे, उनके बिना रामलीला भी अधूरी मानी जाती थी। तो मेरे दोस्तों, आपको कभी भी डर लगे या कोई समस्या आपके सामने हो तो आप इस मंत्र को बार बार पढ़ें, जिससे आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अपने विचारों को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री राम। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी, जय हिंद, वंदे मातरम।